भाई ये आपका इंतजार है। चलिए, जैसे आप लोगों को वीडियो का इंतजार रहता है, मैं भी बहुत ज्यादा इंतजार करता हूँ आप लोगों का, कि आप लोग के कमेंट्स पढूं, आप लोगों के जो भी लाइक डिसलाइक हैं, आप लोगों के सजेशंस जो भी हैं वो सब मैं आप लोगों के मतलब संपर्क में आऊं। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। क्या देखेंगे? तापमान का प्रभाव देखेंगे किस पे? बिल्कुल पिछले लेक्चर से ही लिंक है यार पूरा लेक्चर। डाया मैग्नेट, पैरा मैग्नेट, फेरो मैग्नेट, एंटी फेरो मैग्नेट और फेरी मैग्नेट मटेरियल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पांच मटेरियल करे हैं। बिल्कुल इन्हीं मटेरियल पे तापमान का प्रभाव, पेपर में सवाल आता है काफी, इसीलिए करवाना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था इन सब चीजों के बारे में? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी भी देखा था। पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे तो हर लेक्चर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा जो बंदा देख रहा है, जो भी मेरे को, मैं आपको बता दूं कई मैसेजेस मेरे को आते हैं, जो लोग पूरे पूरे लेक्चर्स देखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, बहुत उनको नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। ये बात मेरे को आपसे ही पता चलती है, ऐसा नहीं है, ये बात मुझे आपसे ही पता चलती है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ पूरा लेक्चर देखिए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में, कि ये मटेरियल किस तरीके के होते हैं। डाया मैग्नेट में देखा था किस तरीके से डोमेन उल्टे अलाइन कर देता है, पैरा मैग्नेट में देखा था कैसे डोमेन्स जिस मैग्नेट की दिशा में है उसी दिशा में अलाइन कर देता है पर उतना स्ट्रांगली नहीं। फेरोमैग्नेट में क्या देखा था? बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। एंटी फेरो में क्या देखा था? कि मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन तो होते हैं पर कैसे होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल, मतलब एक अगर एक साइड अलाइन हो रहा है चुंबकीय रेखाओं के तो दूसरा चुंबकीय रेखाओं के विपरीत में हो रहा है, तो जिससे कि इन दोनों की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। पूरा डिटेल में देखिए ना लेक्चर, आप सब समझ में आ जाएगा। फेरी मैग्नेट में क्या था? एक बहुत ज्यादा अलाइंड होता है एक दिशा में और दूसरा बहुत कम अलाइंड होता है दूसरी दिशा में। ये पूरी बातें बताई थी, फिर इसके एग्जांपल्स बताए थे। अब आज इन्हीं मटेरियल पे तापमान का प्रभाव बताना है, क्योंकि पेपर में सवाल आता है कि इनमें से कौन सा मटेरियल तापमान पर कैसा प्रभाव देता है, कैसा प्रभाव देता है, तो ये बात हम लोगों को पढ़ना है। अब आप एक चीज समझिए बड़े ही ध्यान से, कि मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, उम्मीद करता हूं आपको इसके एग्जाम्पल अपने माथे पे घड़वा के जाना है पेपर में, बहुत बुरी तरीके से याद रखिए। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आप एक चीज समझिए, तापमान का हमें प्रभाव देखना है इनके ऊपर, बिल्कुल देखेंगे यार, पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं, कि आप लोग एक बात समझिए, मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज का क्या मतलब है कि अगर किसी चुंबक को उसकी चुंबकता खोनी है या हमें उसकी चुंबकता नष्ट करनी है या बेकार करनी है या खत्म करनी है, अगर हमें किसी चुंबक की, ये चुंबक है, इसकी चुंबकता नष्ट करनी है, तो क्या क्या मेथड होते हैं, हाउ टू डीमैग्नेटाइज द मैग्नेट? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड बेसिकली विच वी मोस्टली यूज। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने में? भाई पहला मेथड देखिए, हैमर करिए आप, हैमरिंग, मतलब आप जोर जोर से पीटिए या तोड़िए या फेंकिए अपनी मैग्नेट को। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर, आग के हवाले कर दीजिए, तापमान के हवाले कर दीजिए। ठीक है, तीसरा क्या है देखिए, बहुत मस्ती में सारी चीज पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर जो देखेगा वो बहुत फायदे में रहता है, मेरे को मैसेज तक आते हैं बच्चों के। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं, वैसे नंबर आपके सामने है ही है लिखा हुआ। ठीक है, हैमरिंग, टेम्परेचर पहला, टेम्परेचर, हैमरिंग। तीसरा, अगर गलत डायरेक्शन में रबिंग कर दें, रबिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब क्या करना है बस को समझिए, रबिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन मतलब क्या करना है, कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, मैं ये तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, हैमरिंग का मैंने बता दिया, जोर जोर से पीटना है, टेम्परेचर, तापमान, आग के हवाले कर दो। रबिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन को मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए ये आपकी कोई मैग्नेट है, ठीक है, इससे बड़ी मैग्नेट लेके आओ, एक इससे बड़ी मैग्नेट लेके आओ और उस मैग्नेट को रब करो, मतलब ये नीचे वाली मैग्नेट ये रही, ऊपर वाली मैग्नेट ये रही, देखो ब्लैक से ब्लैक वाली मैग्नेट और ब्लू से ब्लू वाली मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है यार। ठीक है, ये भी मैग्नेट है, तो देखिए ब्लू से ये, ब्लैक से ये वाली मैग्नेट, ब्लू से
इस तरीके से आप रब करिए, रब करेंगे, बड़ी मैग्नेट होनी चाहिए पर ब्लू वाली, याद रखिए, तो इसके डोमेन्स तितर बितर हो जाएंगे, ठीक है, डिसअलाइंड हो जाएंगे। ये सब जब हम फुल कोर्स पढ़ते हैं तो हम बहुत डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से डोमेन्स तितर बितर हो जाते हैं, किस तरीके से डोमेन्स तितर बितर हो जाते हैं, ठीक है। ये बात तो डोमेन्स रीअलाइंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअलाइंड हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये मैग्नेटिज्म खो देती है, चुंबकत्व खो देती है, याद रखिए, ठीक है। तो ये किसी भी चुंबक को डीमैग्नेटाइज करने के काम आती है ये मेथड। इसका मतलब क्या है वो जानिएगा, ठीक है, गौर नाल सुनना, हाँ ईयरफोन लगा के गौर नाल सुनना भैया। अब आप इस बात को बड़ा ही ध्यान से समझिए कि मैंने ये बात क्यों बताई आपको, आपको लग रहा होगा मैंने क्यों बताई भाई ये बात, इसीलिए बताई भाई कि तापमान का प्रभाव पड़ता है मैग्नेट पे, समझना बात को, ये इसीलिए बताई कि तापमान का प्रभाव पड़ता है मैग्नेट पे, ये क्या है, ये तापमान है, प्रभाव पड़ता है मैग्नेट पे। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब, यार आप लोग लेक्चर पसंद कर रहे हो बट शेयर कोई नहीं करता, उम्मीद है आप लोग प्लीज शेयर करेंगे, प्लीज 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 शेयर करेंगे, ठीक है। देखो आपके शेयर से हिम्मत हम लोगों की बढ़ती है, ठीक है, बहुत जोश आता है यार, बहुत जोश आता है, ठीक है। तो आपको यार पसंद आते हैं ये मुझे पता है, पर आप बस शेयर नहीं करते, ठीक है, आपका एक शेयर से खुश कर दोगे यार सामने वाले को, तुम यार बंदे को, है ना, तो प्लीज यार बस एक शेयर में जाता क्या, ठीक है ना, आपको पसंद आता है तो बिल्कुल, आप लोगों के रिव्यूज मेरे को सुनने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लाइव क्लास के लिए भी मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं जल्द से जल्द इस चीज को कर पाऊं, ठीक है। तो मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैंने आपको बताया हैमरिंग, टेम्परेचर और रबिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो इससे हमको जो बात पता चलती है वो बेटा क्या पता चलती है कि टेम्परेचर से प्रभाव तो पड़ता है चुंबक पे, और क्या प्रभाव पड़ता है कि वो अपनी चुंबकत्व खो देता है। यही तो बात हमको करनी है कि किस मैग्नेट पे कौन सी चीज होती है, मतलब डाया पे अगर मैं टेम्परेचर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, डाया पे मैं अगर वो पैरा पे करूं तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए हर किसी पे अलग फर्क पड़ता है, इसी बात का तो पेपर में सवाल आता है, हर में फर्क अलग अलग पड़ता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखिए क्यूरी साइंटिस्ट थे एक, ठीक है, इन्होंने एक ये मैडम क्यूरी नहीं है, ये दूसरे हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक, ये सर हैं हमारे, ठीक है, मैडम नहीं है, तो क्यूरी ने एक वो दिया था, टेम्परेचर दिया था, क्यूरी ने ये कहा था कि फेरोमैग्नेट जो है अगर तापमान या गर्म करें उसको, हीट करें तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिए पैरा मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप खुद मेरे को एक बात बताइए, फेरोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग चुंबक है, ठीक है भाई। तो ये बात क्यूरी ने कही थी कि मैं तुमको एक टेम्परेचर दे रहा हूँ, अगर उस टेम्परेचर पर तुम फेरोमैग्नेट को हीट करोगे तो वो पैरा बन जाएगी, पैरामैग्नेट, जबकि क्या थी, एक वीक मैग्नेट थी, पैरामैग्नेट क्या थी, एक वीक मैग्नेट थी। अब देखो जेई के, यूपीपीसीएल जेई के पेपर में ये सवाल आया था, ठीक है, तो जेई के कई पेपर मैंने खुद ही सॉल्व करे हैं, तो जेई के पेपर में पता है इन्होंने देखो कैसे मक्कारी करते हैं पेपर वाले, फेरोमैग्नेट को हीट करो तो पैरा में, और पैरा को हीट करो तो क्या, नो मैग्नेट, मतलब वो अपनी मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से खो देती है, याद रखिए, ठीक है। तो फेरो को हीट करो तो पैरा में, पैरा को हीट करो तो वो बिल्कुल मैग्नेट नहीं रहती है। तो आपसे पेपर में पता है क्या पूछते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, आपको पेपर में जो ये पूछते हैं क्यूरी टेम्परेचर कौन सा है, तो क्या बताना है आपको, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं पूरा बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी तापमान वो तापमान है या वो टेम्परेचर है जिसमें जो मादा रखता है, दम रखता है फेरोमैग्नेट को पैरामैग्नेट में बदलने का, ठीक है, ये है मेन आपका आंसर, ठीक है। पर ये तो मैंने आपको एडिशनल बता दिया है, आगे का बता दिया कि अगर इसको भी आप हीट करोगे तो वो मैग्नेट में मतलब अपना पूरा मैग्नेटिज्म खो देगा, पर आपको कितना करना है, आपको क्यूरी टेम्परेचर पर अगर आप हीट करोगे तो फेरोमैग्नेट बन जाता है पैरामैग्नेट में। मुद्दे की बात क्या समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं सारे। मुद्दे की बात, एक बात समझ में आ गई अपने को, क्या समझ में आती है कि भाई फेरोमैग्नेट और पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेट वीक है, ये स्ट्रांग है, इसका मतलब तापमान अगर बढ़ाते हैं हम या तापमान देते हैं तो स्ट्रांग आदमी वीक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा तो ये तो बात खराब है कि वो वीक में कन्वर्ट हो गया। अब पेपर में सवाल यहाँ से क्या आते हैं वो सुनो, इसका मतलब एक चीज है कि एक सवाल तो यहीं से हम लोगों को मिल गया कि भाई क्यूरी टेम्परेचर ये करता है, एक और सवाल यहां से जो बन जाता है वो ये बन जाता है कि क्या फेरोमैग्नेट पे असर नहीं पड़ा टेम्परेचर का। मैंने क्या कहा, क्या फेरोमैग्नेट पे टेम्परेचर का असर पड़ा, हाँ पड़ा,
इसका मतलब फेरोमैग्नेट पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। लिखनी पड़ेगी ये बात आपको, ऐसे तो दिमाग सोड़ जाएगी। फेरोमैग्नेट पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। और एक और चीज आप जान लीजिए बड़े ध्यान से, कि आपसे पेपर में पूछेगा भाई पैरामैग्नेट पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, पड़ता है, देखो ना, देखो पैरामैग्नेट को हीट किए तो बेचारा मैग्नेटिज्म खो दिया, पैरा पे भी पड़ता है, इसका मतलब इस पे भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, अब एक और बात को ध्यान से सुनिए, इन दोनों पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है साहब, पैरा पे पड़ रहा है, फेरो पे पड़ रहा है। आपसे सवाल कैसे पूछेगा, फेरो और पैरा, मतलब किसी को भी लेके पूछ सकता है, इनकी परमीएबिलिटी पे ऐसे पूछेगा सवाल, इसीलिए कहता हूं पूरा लेक्चर देखो, इनकी परमीएबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, परमीएबिलिटी पे, या पूछ लेगा ससेप्टिबिलिटी पे। अब बेटा जिनने पूरा पूरा लेक्चर देखा होगा पुराना, वो तो बच जाएगा, बाकी सब फंस जाएंगे। ससेप्टिबिलिटी क्या थी, μr-1 थी कि नहीं थी, परमीएबिलिटी -1 थी कि नहीं थी। इसका मतलब परमीएबिलिटी पे जो फर्क पड़ेगा फिर ससेप्टिबिलिटी पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमीएबिलिटी अगर कुछ भी होती है, अफेक्ट होती है, परमीएबिलिटी अगर कम या ज्यादा कुछ भी होती है, आपको मैं बता दूं, परमीएबिलिटी कम या ज्यादा कुछ भी होती है, कुछ भी होती है, तो वो ससेप्टिबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। अब आप सुनिए ध्यान से, फेरोमैग्नेट वीक मैग्नेट बन गई, पैरा बन गई तापमान बढ़ाने पे, तो इसका मतलब परमीएबिलिटी क्या हो रही है, कमी तो हो रही है, क्योंकि परमीएबिलिटी इसकी कैसी थी, हाई, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइन इसके अंदर से होके जा रही थी, और ये है वीक, इसमें कम लाइन जाती है। जिन्होंने पुराना लेक्चर देखा होगा वो पूरा जानते हैं इस बात को, पैरामैग्नेट के अंदर लाइन कम जाती है और फेरोमैग्नेट के अंदर लाइन ज्यादा जाती है। कौन सी लाइन, कोई पास में मैग्नेट रखी है और उस मैग्नेट से निकलने वाली लाइन। क्लियर है इतना पॉइंट? अब एक बात समझिए, तो पैरा पे फेरो पे फर्क पड़ेगा, सवाल पूछा कैसे जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, ऐसे पूछेंगे कि क्या फेरोमैग्नेट की परमीएबिलिटी पर असर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, क्या पैरामैग्नेट की परमीएबिलिटी पर असर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, क्या इनकी ससेप्टिबिलिटी पर असर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। चलिए ये चीज इस तरीके से सवाल करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे आयरन को लेके, कि कितने कितने तापमान पर क्या बदलते हैं आपके, कितने कितने तापमान पर कौन से मटेरियल अपनी अपनी मैग्नेटिज्म लूज करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? देखिए आयरन के लिए 973 केल्विन है, कि आयरन 973 केल्विन पर क्या करता है, आयरन 973 डिग्री केल्विन पर क्या करेगा, अपना तापमान, मतलब अगर आयरन को फेरोमैग्नेट बना लेते हैं, देखो ये दो बात आप लोगों को पता है, मतलब आयरन क्या बन जाता है, फेरोमैग्नेट बनता है। अब अगर आयरन को 973 केल्विन पर गर्म करोगे तो वो फेरोमैग्नेट से क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेट बन जाएगा। ये है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके पीछे तो कोई और अलग रास्ता निकलता ही नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं कोबाल्ट, देखो मैंने ये सब फेरोमैग्नेट मटेरियल थे बेटा, कोबाल्ट और निकेल सब फेरोमैग्नेट मटेरियल थे। ठीक है, तो कोबाल्ट के लिए मैंने आप लोगों को कितना बता रहा हूं, 373 डिग्री केल्विन और 673 केल्विन है निकल के लिए। इसका मतलब अगर आयरन से बनाओगे फेरोमैग्नेट तो इतना लगेगा पैरामैग्नेट कन्वर्ट करने में, कोबाल्ट से बनाओगे फेरोमैग्नेट तो इतना लगेगा कन्वर्ट करने में, और निकल से बनाओगे, निकल नहीं निकल, ठीक है, निकल से बनाओगे फेरोमैग्नेट तो 673 केल्विन लगेगा पैरामैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए भाई। ठीक है, ध्यान से समझ में आया? तो ये क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर क्या करता है, फेरो को पैरा में कन्वर्ट करता है, इतना मिटा देता हूं। ठीक है, तो समझ में आ गई अभी इन पे प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब देखिए ऐसी एक नील से, नील भैया ने क्या कहा, नील भैया ने कहा कि हम आपको एक टेम्परेचर बता रहे हैं, जिसमें मतलब उसने कहा कि अगर एंटी फेरो को हीट किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा में, पैरा मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। भाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं फिर से इस बात को आपको समझा देता हूँ, नील टेम्परेचर एक वो तापमान है, प्लीज आप लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, पर अभी नहीं, एक बार सुनने के बाद, नील तापमान वो तापमान है जिस पर एंटी फेरो मटीरियल पैरा मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपसे मैं ये चीज़ पूछता हूँ, एंटी फेरो से ये पैरा में कन्वर्ट हो गया, असर पड़ा कि नहीं पड़ा चुंबकत्व पे, पड़ा असर, बिल्कुल पड़ा साहब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या एंटी फेरो पे तापमान का प्रभाव पड़ रहा है, पड़ रहा है भाई, तभी तो असर पड़ रहा है मैग्नेट पे,
फेरी मैग्नेट, अब देखिए फेरी पर भी असर पड़ता है और पैरा पर, तो आपको मालूम ही, अगर पैरा को हम और हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नो मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। खैर ये चीज नील ने नहीं कही थी, ठीक है, ये बात है नील या क्यूरी ने नहीं कही थी, ये बात जनरल हम लोगों को सीखने को मिली, ठीक है। तो जेई के पेपर में पता है सवाल क्या आया था, यूपीपी से जेई के में, वो ये उन्होंने क्या मक्कारी करी, उन्होंने फेरोमैग्नेट को पैरामैग्नेट में नहीं पूछा, उन्होंने क्या कहा कि अगर पैरामैग्नेट को हीट करेंगे तो क्या कन्वर्ट होगा। तो ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी है, ठीक है। तो ना नील्स ने ना क्यूरी ने, ये बातें नील्स और क्यूरी की नहीं है, बट ये बातें ऑब्जर्व की गई हैं। तो नील्स ने क्या कहा था, एंटी फेरो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में। इसका मतलब एंटी फेरो को भी फर्क पड़ता है, फेरी मैग्नेट को भी फर्क पड़ता है, पैरा को भी पड़ता है, फेरी को पड़ता है, ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर उसमें कोई तापमान वाली बात नहीं है। तो ये दो टेम्परेचर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा कोई एग्जाम्पल नील्स में बता दीजिए, तो नील्स के लिए एंटी फेरो के लिए कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं जाता है, क्योंकि एंटी फेरो मटीरियल इतने आसान नहीं होते, एक्चुअली वो बनाए जाते हैं लैब में, क्योंकि उनको मिक्सिंग करके बनाया जाता है दो अलग अलग पदार्थों से। ये तो क्या है, मोस्टली यूज भी होते हैं और अवेलेबल भी हैं, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं और इसीलिए हम उसके क्वेश्चंस भी पाते हैं पेपर के अंदर। नील टेम्परेचर में आपको इतना याद रखना है कि ये वो तापमान है जो एंटी फेरो मटेरियल को किसमें करता है, पैरा मैग्नेट में कन्वर्ट करता है। क्लियर है इतना पॉइंट। अब बचता है डाया मैग्नेट। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि अगर एंटी फेरो के परमिएबिलिटी को लेके या फेरी मैग्नेट के परमिएबिलिटी को लेके या काईएम को लेके ससेप्टेबिलिटी को लेके सवाल आएगा, तापमान पर फर्क पड़ता है, हाँ पड़ता है। अगर परमिएबिलिटी को लेके आएगा तो देखिए इसकी परमिएबिलिटी तो ज्यादा है और इसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वीक मैग्नेट बन गया। तो सवाल अगर और डिटेल में आ जाए तो भी आपके पास जवाब तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपने लेक्चर देखा है मेरा, ठीक है। म्यू आर यहां पर क्या हो जाएगा, कम, यहां म्यू आर है ज्यादा है, यहां म्यू आर है कम। क्लियर है इतना पॉइंट। अब चलिए नील टेम्परेचर की मैं बात करता हूं, एंटी फेरो से ये पैरा मैग्नेट कन्वर्ट कर गया। अब इसकी परमिएबिलिटी को लेकर देखिए, यो तो बहुत डिटेल में हर चीज़ करने का रहता है, फुल कोर्स में जब हम बैठते हैं तो सारी चीज़ें करते हैं। डायामैग्नेट की मैं अगर बात करूँ, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, याद रखिए डायामैग्नेट एकमात्र मैग्नेट है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या है इसका, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई मटीरियल डायामैग्नेट है और हम तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तो डायामैग्नेट की ससेप्टेबिलिटी पर अंतर नहीं पड़ता है। सुनिएगा ध्यान से क्यों, देखिए कोई मैग्नेट डाया मैग्नेट मटीरियल है, कोई डाया मटीरियल है, तो पहली चीज़ तो इसके अंदर से तो रेखाएं वैसे भी नहीं जाती हैं, चुंबक रेखाएं वैसे भी नहीं जाती हैं, तो इसका क्या म्यू आर कम या ज़्यादा होगा, कुछ भी, कोई म्यू आर कम या ज़्यादा होगा ही नहीं, ये म्यू आर तो वैसे भी जीरो है इसका पहले से ही, ठीक है। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तापमान का, ये आपको लगा के आना है पेपर में। तो जाहिर सी बात है ना इसके काईएम पे, मतलब डाया मैग्नेट के ना ससेप्टेबिलिटी पे ना परमिएबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है तापमान के, तापमान का कोई फर्क नहीं पैंदा भाई, कोई फर्क नहीं पैंदा। क्लियर इतना पॉइंट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए पूरा लेक्चर देखिए, फायदा मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम लोगों ने एक छोटा सा लिया हुआ है कि जो फ्लेमिंग के रूल हैं, देखिए वैसे तो मैंने आप लोगों को फ्लेमिंग के जो रूल्स हैं, मैंने आप लोगों को ये लेक्चर इससे दो नंबर, मतलब आई थिंक ये तो जो लेक्चर है इससे दो तीन लेक्चर पहले मैंने आप लोगों को फ्लेमिंग के रूल्स के बारे में, मैंने हाथ का सही इस्तेमाल करके एक लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें आप लोगों को क्या करना है, हाथ का सही इस्तेमाल करना है। तो फ्लेमिंग के दो रूल बताए थे मैंने आपको, मैंने एक बताया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और एक मैंने बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये राइट हैंड का रूल है फ्लेमिंग का और ये लेफ्ट हैंड का रूल है। तो मैंने आप लोगों को एक सबसे अच्छी चीज़ क्या बताई थी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ लगता है, जनरेटर में करंट या ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक याद करने की ट्रिक भी बताई थी, याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, देखिए हम लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं कि पैदा क्या होने वाला है कि नहीं, क्यों हम लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं जानने के लिए कि पैदा क्या होने वाला है, आहा पैदा क्या होने वाला है, पैदा क्या होने वाला है कि नहीं, हम बहुत जानने के लिए उत्साहित रहते हैं कि पैदा क्या होने वाला है। तो जनरेटर में पैदा क्या होता है, करंट या फिर ईएमएफ पैदा होता है। तो हम इसी की दिशा निकालते हैं इस हाथ से, कौन से, सीधे हाथ से, पर किसके, फ्लेमिंग के, तुम्हारे वाले से नहीं, फ्लेमिंग के सीधे हाथ से। याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, घर में पिताजी हमारे जनरेटर हैं और वही घर में, भाई उन्होंने ही तो जनरेट किया है हम लोगों को सबको,
ठीक है, सबके पिताजियों ने, मतलब यार सबके पिताजियों ने अपने अपने बच्चों को जनरेट किया है, ठीक है। तो अब सबके पिताजियों ने अपने अपने बच्चों को जनरेट जो किया है उसमें क्या है, उन्होंने जो जनरेट किया है वही घर के राइट हैंड है और वही पिताजी जनरेट कर रहे हैं, तो राइट हैंड कहाँ लगेगा, जनरेटर में। तो बचा हुआ जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड कहाँ लगेगा, मोटर में। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है मेरे भाई, मोटर में। अब मोटर में पैदा क्या होता है भाई, मोटर में पैदा होता है घूमना, उसका रोटेशन, रोटेशन पैदा होता है ना। तो हमने क्या आपके आपको क्या कही कि हम हमेशा उत्साहित रहते हैं कि पैदा क्या होने वाला है, और पैदा क्या होने वाला है मोटर के अंदर, मोटर के अंदर पैदा होने वाला है रोटेशन, और रोटेशन की हमें क्या ज्ञात करनी पड़ती है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब घूमेगा किस दिशा में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बात हम लोगों को पता चल जाती है कि लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या पता करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता करते हैं, ठीक है। इतनी बात है तो मैंने पहले भी कर रखी थी, फिर से दोबारा मैंने आपको एक छोटा सा रिवीजन दे दिया, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, अब मैं फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल डिटेल में तो नहीं बता रहा, ठीक है, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जो फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल में डायरेक्शन ऑफ रोटर है, वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो तो हम बताते ही बताते हैं, पर रोटर किस फोर्स से घूमेगा, मतलब रोटर पे बल कितना लगता है, उसका फॉर्मूला दिया जाता है बिल साइन थीटा। किस फॉर्मूले से दिया जाता है, बिल साइन थीटा। जाहिर सी बात है यूनिट किस में रहेगी, न्यूटन में रहेगी। बिल का साइन थीटा का क्या मतलब हुआ, बिल माने बी फॉर क्या, बी फॉर बॉल नहीं भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। प्लीज यार लाइक भी किया करो, अगर पसंद आता है तो लाइक किया करो, लाइक किया करो, लाइक किया करो। करंट, पूरा पूरा मस्ती से पढ़ते हैं अपन पूरा मस्ती से पढ़ते हैं यार, जोश के साथ में पढ़ते हैं, मस्ती के साथ पढ़ते हैं, और एक एक चीज पढ़ेंगे, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं भाई, मस्ती मस्ती में सब पढ़ जाओगे। करंट देखिए, ऐसी मस्ती मस्ती में बहुत सिलेक्शन करवाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, क्या कहते हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप, जो चैनल है हम लोगों का, आप प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर, और वहाँ पर सिलेक्शंस में देखिए, आप देखिए सिलेक्शंस कितने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल मस्ती करेंगे, पर मस्ती मस्ती में सब चीज़ करेंगे, ठीक है। बी से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, चलो रिवाइज करा देता हूँ यूनिट आप लोगों को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, बी, बी होता है फाई बाई ए, फाई माने वेबर, ए माने एरिया मीटर पर, वो वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई हो गया करंट एम्पियर में, एल क्या हो गई लंबाई कंडक्टर की, चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और एंगल बिटवीन, ये एंगल है एल नहीं है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, चालक और चुंबकीय रेखाएं, चालक और चुंबकीय रेखाओं के बीच में एंगल एंड कंडक्टर, ठीक है। तो ये सब होता है, तो ये जो फोर्स यहां पर उत्पन्न होता है उस फोर्स का क्या दिया जाता है, बिल साइन थीटा। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ जो ईएमएफ पैदा होता है, इस ईएमएफ को किससे दिया जाता है, बीवीएल साइन थीटा, बीवीएल साइन थीटा से दिया जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट, बीवीएल साइन थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यही बात की है, चुंबकीय घनत्व। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, वेग, वेग, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, वेग, वेग है ये, वेग है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है, लेंथ। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये सब चीजें बेटा मुझे बतानी थी कि यहाँ जो ईएमएफ पैदा होता है उसका मान क्या होता है, बीवीएल साइन थीटा। आधे लोग घायल हो चुके होंगे, सर बीवीएल का मान क्या ये नहीं होता, अरे बेटा ये भी होता है, वो भी होता है, ये सब एक ही से निकले हुए हैं, ये सब जब हम फुल डिटेल लेक्चर देखते हैं तो सब लोग बात करते हैं इन सब के बारे में, ये सब एक ही से निकले हुए हैं, ठीक है। दो तरीके के ईएमएफ होते हैं ना, स्टैटिक और डायनामिक, स्थायी ईएमएफ और कौन सा, गतीय ईएमएफ। तो फिर उनके कई पार्ट्स बनते हैं, सारी बातें हम लोग करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है बॉस, ओके, लाइक होगी अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है, कमेंट भी करा करिए समझ में आ रहा हो, बिल्कुल कमेंट आना बंद हो गए भैया आप लोगों के। अब चलिए से अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को एक बात मालूम है कि किसी भी तार में करंट बहाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं, केस वन और केस टू। क्या भाई केस बन सकता है, जब करंट दोनों ही चालक में एक ही दिशा में हो, जब करंट दोनों ही चालक में विपरीत दिशा में हो, ठीक है। मान लीजिए ये I1 I2 करंट है, ये मान लीजिए I1 I2 करंट है, तो यहाँ करंट कहाँ है, सेम डायरेक्शन में,
यहां करंट कहां है? विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक बात मैंने आप लोगों से क्या कही कि जब भी किसी तार में करंट बहता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी कि वो चुंबक बन जाएगा। जब देखिए इसका हम लोगों ने बात की थी, जब तार होता है स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो करंट हो जाती है अंगूठा और ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या रहेगी? ये रहेगी, क्लियर है। ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा रहेगी, ठीक है। आप लोग एक काम करा करिए, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करा करिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानिए कि क्या ऑफर चल रहे हैं, फुल कोर्स डिटेल जो लोग लेना चाहते हैं प्लीज जानिए। क्या पता आप लोगों के लिए कोई अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए हिट कर जाए और आप लोग इतने अच्छे कोर्स और इतने अच्छे कंटेंट से दूर ना रह जाए, ठीक है। प्लीज टेस्ट सीरीज वगैरह सबके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो देखिए ये करंट क्या है, कुछ लोग क्योंकि टेस्ट सीरीज की भी पूछ रहे थे तो वो लोग पूछ सकते हैं। तो ये करंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई। अब देखिए यहां पर ऊपर है तो ये उंगली की दिशा क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। और यहां पर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो गई? इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई। एक बात तो तय है कि तार क्या बन गया? चुंबक। तार बन गया चुंबक। इसका मतलब ये है कि जब ये तार इन दोनों के अपने एक एरिया में आएगा, थोड़ा करीब आएंगे, और करीब आते हैं तो आप जान ही रहे हैं फिर क्या होता है, या तो रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है। जब आप दो लोग करीब आते हैं तो या तो क्या होगा, काम बन जाएगा या बिगड़ जाएगा, ये तो तय बात है भाई, सेम इधर होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? तो हम यहाँ पर एक बात तय है कि ये जब दोनों मैग्नेट बन जाएंगे, ये तार भी मैग्नेट बन जाएगा, ये तार भी मैग्नेट बन जाएगा, तो इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स। तो फोर्स बिटवीन द मैग्नेट हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि दो चुंबक के बीच में कैसा बल लग सकता है, या दो फोर्स बिटवीन द मैग्नेट कह रहे हैं, या फोर्स बिटवीन द पैरेलल कंडक्टर हम लोग बात कर लेते हैं, पैरेलल कंडक्टर, और वो भी कैसे? करंट कैरिंग। तो एक बात ये चीज़ जानना पता क्यों ज़रूरी हो जाता है? जब हम ट्रांसफॉर्मर को पढ़ते हैं ना तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स क्या होती हैं? लपेटी हुई होती हैं कोर के ऊपर, और कोर के ऊपर जब लपेटी हुई होती हैं तो जब भाई वाइंडिंग क्या हुई? तार ही तो हुई। और जब तार आपस में दो तारों के भी, अब भाई खुद सोचो, ऐसे सोचो, मैं एक एग्जांपल देखो बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपने ये एक वाइंडिंग है, अब देखो ये दो तार भी तो आपस में क्या हो गए, यहाँ पर करंट बह रहा है तो इन दो तारों के बीच में भी तो बल लगेगा। तो इस कोर को हमें इतनी मजबूती से टाइट कर रखना चाहिए कि इससे जो बल लगे वो ये कोर झेल पाए। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये मैं लिंक कराता हूँ आप लोगों को। तो याद रखिए ये जो वाइंडिंग के तार हम करते हैं किसी ट्रांसफार्मर पर, उसमें भी बल पैदा करती हैं ये वाइंडिंग्स। कैसे करती हैं? रीजन यही है। और बल का फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि बल कितना लगेगा, फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहली चीज़ जो सवाल पूछा जाता है कि जब भी दो पैरेलल कंडक्टर करंट कैरिंग होंगे तो एक बात तो तय है, या तो दोनों करंट सेम दिशा में जा रहा होगा या विपरीत में जा रहा होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, एक बात तय, सबसे पहले तो पूछते हैं कि कहाँ अट्रैक्शन होगा, कहाँ रिपल्शन होगा, ठीक है। वैसे तो इसका डायग्राम हम लोग बना के पूरा देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, बट अभी हम मेन मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे। मुद्दे की बात क्या है वो ध्यान से सुनिए। मुद्दे की बात बेटा ये है कि जब भी दो लोग साथ में चलते हैं, मतलब सेम दिशा में होते हैं, मान लीजिए आप और आपकी वो सेम दिशा में जा रहे, तो आप क्या कहोगे? चलो साथ में चल लेते हैं ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, है कि नहीं? अट्रैक्शन, जब भी दो लोग सेम, ओहो मजा आ गया, ऐसा ही हो जाए सर, है अट्रैक्शन। जब भी दो लोग एक ही दिशा में जाते तो हम क्या कहते हैं? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, अट्रैक्शन। और जब दो लोग अलग अलग दिशा में हो जाते हैं, भाई वो उधर जा रहा है तू इधर जा रहा है, तो फिर तो रिपल्शन ही होगा, फिर तो कोई बचा, प्रतिकर्षण जिसे बोलते हैं, ठीक है बेटा, प्रतिकर्षण। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे बल कैसा लगना है, अट्रैक्शन, यहाँ बल कैसा लगना है, रिपल्शन। पर याद रखिए वो लगेगा कितना न्यूटन, मतलब उसका मान कितना होगा, मान, तो मान होगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आई वन आई टू बाय डी एल, देखिए एल बाय डी, ठीक है। तो एल क्या है? एल है ये लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, भाई चालक की लंबाई है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और डी क्या है? दूरी, ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां, दूरियां डी डिस्टेंस। दो तार कितना दूर रखे हुए हैं, पेपर में आने वाला सवाल, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, जाहिर सी बात है, तुम अलग और वो अलग, तो कहाँ फोर्स लगेगा? जितना ज्यादा करीब हो गए उतना ही तो बल पैदा होता है, हाँ भाई।
जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा बल, क्लियर इतना पॉइंट। जितना ज्यादा करंट होगा दोनों में उतना ज्यादा बल होगा। क्यों भाई, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये तो गली के बच्चे को भी मालूम है यार, तुम्हें भी मालूम होना चाहिए, हेनरी पर मीटर, ठीक है, 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर माइनस का 7, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए इतना पॉइंट क्लियर है आपको, एक और चीज करते हैं छोटी सी, एक मिनट में पानी पी लेता हूं। अब देखिए ये तो फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर था, और हम लोग बात करते हैं अब फोर्स बिटवीन मैग्नेट की बात अगर हम करें, मैं यहां पर लिख देता हूं फोर्स बिटवीन मैग्नेट, ठीक है, चुंबक के बीच में बल, देखिए अगर मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, ठीक है भाई, दो स्थितियां होंगी, या तो नॉर्थ साउथ साथ में रखे होंगे या नॉर्थ नॉर्थ रखे होंगे भाई, या तो नॉर्थ नॉर्थ रखे होंगे या नॉर्थ साउथ रखे होंगे भाई, तीसरा तो कोई बन नहीं सकता ऑप्शन, तीसरा तो कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरियां डी है, और इनके पोलों की, इनके ध्रुवों की स्ट्रेंथ, इनके ध्रुवों की तीव्रता M1 और M2 मैंने क्या मान ली है, ध्रुव की स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा, M1 M2 क्या माना है, ध्रुव की स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव की स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ मानी है, तब इनके बीच में जाहिर सी बात है यहां होगा अट्रैक्शन फोर्स, अगर नॉर्थ साउथ है, और नॉर्थ नॉर्थ है मतलब अनलाइक पोल्स, मतलब अगर दोनों विपरीत पोल हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और समान पोल हैं तो रिपेल करेंगे, एक बात तय है यहाँ पे, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो जो यहाँ पर उत्पन्न होने वाला बल होता है, फोर्स होता है, वो क्या होगा, याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 / d² के, जिसमें d क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, और M1 M2 क्या है स्ट्रेंथ पोल की, कि कौन सा पोल कितना स्ट्रेंथ होगा। देखिए अगर दोनों चुंबक के पोल की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो बल बहुत ज्यादा लगेगा। अब आप कहोगे सर बल अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा या रिपल्शन, वो डिपेंड करता है कि अगर अनलाइक है तो अट्रैक्शन और लाइक है तो रिपल्शन, मतलब कहने का दो मैग्नेट है और ये मैग्नेट के M1 है जान तीव्रता और ये M2 है, अगर M1 M2 कैसे भी बढ़ाएंगे तो अगर पहला केस होगा मतलब अलग अलग होंगे ध्रुव तो अट्रैक्शन होगा, पर मान कितना होगा इस पर निर्भर करेगा, और दूरी बाय डी स्क्वायर, देखो ये बहुत ध्यान से समझना, यहां पर समानुपाती किसके है बल, दूरी के समानुपाती है, पर यहां पर समानुपाती किसके है, दूरी के स्क्वायर के है, इतनी बात पे सवाल आ जाता है पेपर में, ठीक है, चुंबक के बीच में दूरी के स्क्वायर से है और यहां पर दूरी पर है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये पॉइंट मेरी तरफ से यहां से क्लियर हो जाता है, ये चुंबक को लेके है, ये पैरेलल कंडक्टर को लेके है, ठीक है। तो देखिए अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने डीसी मशीन्स की तरफ जाएंगे और हम लोग डेफिनेटली लॉसेस को भी करेंगे, जब हम लोग डीसी मशीन की तरफ पहुंचेंगे तो हम लोग एक लेक्चर डिटेल में करेंगे लॉसेस का, ऐसा नहीं है हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है, मेरी तरफ से ये मैग्नेट की कुछ बातें पूरी हो जाती हैं, जो इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट वो तो पूरी हो जाती हैं, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ऐसा नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ लेक्चर्स को देखते रहिए, और अगर आप लोग कोई नया है तो वो शेयर भी वो शेयर मतलब कर सकते हो आप लोग, और नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप तक ताकि रोज़ लेक्चर पहुंच जाए, जिस दिन टेक्निकल की क्लास नहीं होती उस दिन कंप्यूटर की हो जाती है, तो आप लोगों को इस चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोगों का भी सपोर्ट हम लोगों को चाहिए होता है, तो आप लोग प्लीज़ पसंद आए तो ही शेयर करिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ओके।